हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास पेपर आ चुका है, कक्षा 11 का जो पेपर है इतिहास का, तो फटाफट से देख लीजिए। इससे पहले भी एक दो वीडियो डाल चुके हैं हम, उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे आपके, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक ज़िले के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दूसरे ज़िले में भी आ रहे हैं, तो आप फटाफट से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पहला प्रश्न है आपका, मारी नगर का संज्ञा किस समुदाय का था? दूसरा है, रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? थर्ड है, चंगेज खान का संबंध किस देश से है? चार नंबर है, कृषकों द्वारा चर्च को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? पांच नंबर है, शार्लमैन कहाँ का राजा था? छः नंबर है, जर्मनी में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? छः नंबर है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? और नौ नंबर है, छः राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण कब किया गया? नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा का महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? 11 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? 12 नंबर है, चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 13 नंबर है, द टेल ऑफ द मेंजो किस देश की प्रमुख साहित्यिक कृति है? नेक्स्ट है, अप्रैल क्रांति का संबंध किस देश से है? सेकेंड नंबर प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या कहलाती है? सेकेंड नंबर है, रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति क्या थी? थर्ड है, मार्क ब्लॉक ने किस पुस्तक में फ्रांस का सामाजिक चित्रण किया है? चार नंबर है, काश्तकार दो तरह के होते हैं, पहला है स्वतंत्र किसान और दूसरा आपको बताना है कौन सा। फाइव नंबर है, अमेरिकी गृह युद्ध कौन से सन में किससे के मध्य लड़ा गया? नेक्स्ट है छः नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस से कब व रूस से सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस से कितने व रूस से कितने प्रांत खरीदे थे? सात नंबर है, अफीम युद्ध किन किन के बीच में हुआ? नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के दो शहर कौन कौन से हैं जहां पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे? थर्ड नंबर प्रश्न है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, इसके अंदर पहला है, मेसोपोटामिया की कौन सी नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण थी? दूसरा है, तुमन क्या थी? थर्ड है, मंगोल साम्राज्य में गोल्डन हॉर्ड यानी कि सुनहरा गिरोह की स्थापना किसने की? नेक्स्ट है, उलूस का गठन किस प्रकार हुआ? नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभकर से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट है, फ्रायर किसे कहा जाता था? नेक्स्ट नंबर है, चिरोकी कबीले के लोग कहाँ रहते थे? नेक्स्ट है, एबारिजिनो कौन है? नेक्स्ट है, सन 1964 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सनियात सेन ने किस दल की स्थापना की? अब आपके खंड पे लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, चार नंबर प्रश्न है इसके अंदर, बाइबल में उल्लेखित जल पलावन की घटना का वर्णन कीजिए? पाँच नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर रोग साम्राज्य का हृदय था समझाइए? छः नंबर है, रोम साम्राज्य में प्रिंसिपेट किसे कहा जाता था? नेक्स्ट है, मध्यकालीन यूरोप में चौथा वर्ग से क्या तात्पर्य है समझाइए? आठ नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की दो विशेषताएं बताइए? नौ नंबर है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में टेरानियोलियस से क्या तात्पर्य है समझाइए? दस नंबर है, सोगुन कौन थे, उसकी शासन व्यवस्था में क्या भूमिका थी? 11 नंबर है, जापान में मेजी पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है? 12 नंबर है, ताइवान में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? 13 नंबर है, चीन के भौतिक भूगोल पर प्रकाश डालिए? 14 नंबर है, चियांग काई शेक के नेतृत्व में चीन के विकास के कोई चार बिंदु बताइए? 15 नंबर है, जापान द्वारा आधुनिकीकरण के लिए अपनाए गए मार्गों का संक्षिप्त परिचय दीजिए? नेक्स्ट है आपके खंड से 16 नंबर प्रश्न है, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न, मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे? इनका इटली के शहरों में सर्वप्रथम क्या प्रभाव पड़ा अथवा कोपरनिकस क्रांति से क्या आशय है समझाइए? 17 नंबर प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण व प्रभावों पर चर्चा कीजिए अथवा धर्म सुधार आंदोलन क्या थे? धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने के कारणों को समझाइए? 18 नंबर प्रश्न है आपका, गोल्ड
रश से क्या अभिप्राय है, इससे उद्योगों को बढ़ावा क्यों मिला, अथवा अमेरिकी सरकार द्वारा मूल निवासियों की बेदखली हेतु अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए। 10 नंबर प्रश्न है, जापान में हुए नागरिक सुधार आंदोलन के बारे में बताइए, अथवा जापान के समाज में पश्चिमीकरण व परंपरा के अंतर्द्वंद को समझाइए। खंड द है आपका निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 से 22। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए, पहला है ताइवान, दूसरा टोक्यो, तीसरा अफ्रीका, चौथा मंगोलिया, अथवा मंचूरिया, सिडनी, उत्तरी अमेरिका, इंग्लैंड व भारत। 21 नंबर प्रश्न है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइज लेंस से क्या आशय है, इसने ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति में क्या परिवर्तन किए, विस्तार से बताइए, अथवा प्रश्न थोड़ा इसमें छुप गया है जिसने भी पेपर भेजा है। नेक्स्ट है 22 नंबर, वन चाइना पॉलिसी क्या है, ताइवान के बारे में विस्तार से बताइए, अथवा द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद भी जापान एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ, विवेचना कीजिए। तो ये थे सारे प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर भी आ सकते हैं, तो सभी प्रश्नों को ढंग से देख लें, याद कर लें, रट लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। थैंक यू।